हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? प्रीति की रसोई में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे की रेसिपी। आइए हम बनाते हैं पोहे की रेसिपी को। ये हमने लिया है पोहा। पोहे में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे। ये रहा हमारा पोहा। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इसको फ्राई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो फिर ये बहुत बारीक सा हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसे हल्का सॉफ्ट करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें अपना जीरा डालेंगे, ये अच्छे से चटक जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। हम इसमें अपना प्याज डालेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। हमारी ये प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और इसे आलू पकने तक इसे भूनेंगे। फिर जब हमारे आलू थोड़े से पक जाएंगे, फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अपने आलू और प्याज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं वो हम डालेंगे। ये हमने एक चम्मच लिया नमक, ये डेढ़ हो गया। ये हमने ली थोड़ी सी हल्दी और ये लिया हमने अपना एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं तीखा करने के लिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इन्हें मिक्स होने तक थोड़ी देर बस पकाएंगे। हमारा सामान बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डालेंगे, जो मैंने पहले भी इनको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया था हल्का सा। अब हम इसमें अपने पोहे डालेंगे। सभी अच्छे तरीके से सब कुछ सभी को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ा सा भाप देके हल्का सा पकाएंगे। हमारा पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। इसकी खटास लाने के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। हम इसे थोड़ा सा बस पकाएंगे, हल्का सा बस, हो गया। पोहा बनकर तैयार है। अब आप इसमें नमकीन डाल के खा सकते हैं और पोहे का आनंद उठाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।